What's up guys, this is Tarun Molri. आज मैं आपको अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्या मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और मैं क्यों यूज करता हूं वो सारे प्रोडक्ट्स, और हफ्ते में कुछ चीजें लगाता हूं मैं और महीने में कुछ चीजें लगाता हूं एक दो बार जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मेक श्योर यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन अपना पूरा दिखाने से पहले दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, मेरा स्किन टाइप कॉम्बिनेशन टाइप है, मतलब मेरा टी जोन ऑयली रहता है एंड रेस्ट ऑफ द एरिया इज अ लिटिल बिट ड्राई। सेकेंडली, मैंने एक डे टाइम स्किन केयर रूटीन वीडियो भी बनाई थी जो आप जाके देख सकते हो। सबसे पहली चीज दैट वी गोना डू इज क्लेंजर। सो लुवासु का मैं ये वाला जेंटल फोमिंग क्लेंजर यूज कर रहा हूँ जो मैंने डे टाइम में भी यूज किया था, बट बाकी सारी चीजें अलग है। सो फर्स्ट वी गोना वॉश आवर फेस एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। इसको 45 to 50 seconds आराम से आपको अपना फेस क्लीन करना है क्योंकि हम पूरे दिन बाहर रहते हैं, डर्ट एंड डर्टीज होती हैं। नाइट टाइम रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट जो सीरम लगाने वाले हैं उसके लिए हमें स्किन हमारी डैम्प चाहिए। तो मुंह धोने के बाद मैं अपना पैड ड्राई मुंह नहीं सुखाने वाला। इमीडिएटली जो मैं नेक्स्ट चीज अब यूज करने वाला हूँ एंड दैट इज द हाइलोरोनिक एसिड सीरम। हाइलोरोनिक एसिड सीरम मैं मिनिमलिस्ट का यूज कर रहा हूँ, ये वाला, दिस इज हाइलोरोनिक एसिड प्लस PGA। इसको हम डैम्प स्किन पे लगाते हैं ताकि ईजिली एब्जॉर्ब भी हो सके और वाटर रिटेन हो जाए। हाइलोरोनिक एसिड का ये काम होता है। सो जनरली मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली रहती है, कभी कभी दिन में और समर्स में खराब हो जाती है स्किन, तो रात में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मैं चाहता हूँ अपनी स्किन को मिले जो डे टाइम में नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मैट फिनिश और क्लियर लुक भी चाहिए। तो मैं लाइट वेट प्रोडक्ट्स लगाता हूँ दिन में, राइट, और रात को मैं हैवी प्रोडक्ट्स लगाता हूँ ताकि स्किन अच्छे से रिपेयर हो जाए, अच्छे से हाइड्रेशन मिले और मॉइस्चर मिले और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। सो हाइलुरोनिक एसिड आपको आराम से इस तरीके से ऑल ओवर द फेस लगाना है एंड देन स्प्रेड इट। इसके बाद आप 30 to 40 seconds वेट करोगे ताकि अच्छे से थोड़ा सा सूख जाए। द नेक्स्ट स्टेप दैट आई अप्लाई इज द आई क्रीम दैट आई यूज। ये मैं डेली यूज करता हूँ, ये मैं दो बार यूज कर रहा हूँ अभी थोड़ा समर्स में, क्योंकि स्लीप स्केड्यूल की वजह से मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और पफिनेस बढ़ गई है। अब आई क्रीम लगाने के बाद माई नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रॉपरली हाइड्रेट एंड यूज अ मॉइस्चराइजर। ये लनेज का मैं वाटर स्लीपिंग मास्क यूज करता हूँ 2 to 3 times a week, और कभी कभी मैं ये कील्स का मिडनाइट रिकवरी कॉन्सेंट्रेट यूज करता हूँ। ये मुझे पहले लगता था ये काम नहीं कर रहा है मेरे फेस पे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 हफ्ते बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो ड्राई पैचेस हैं थोड़े थोड़े मेरे इस साइड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठीक करा इसने। तो ये ऑयल बेस्ड है, इससे एसेंशियल ऑयल्स मिल जाते हैं मेरी स्किन को, और ये वाटर स्लीपिंग मास्क से इससे बहुत ज़्यादा स्किन हाइड्रेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे माई स्किन इज ग्लोइंग, राइट। सो इसको किस तरीके से यूज करना है, यू अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस आफ्टर अप्लाइंग द हाइलुरोनिक एसिड सीरम एंड दैट्स इट। अगर आपको इन दोनों में से कुछ यूज नहीं कर रहा तो आप ये रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड क्रीम है लॉरियल की, ये भी आप यूज कर सकते हो। मैंने बहुत टाइम तक यूज करी है एज यू कैन सी। सो दिस थिंग ऑल्सो रियली वर्क्स इन लॉकिंग द मॉइस्चर। तो एक थिक नाइट क्रीम होनी बहुत जरूरी है ताकि अच्छे से स्किन हाइड्रेटेड रहे नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि हम डे टाइम में लाइट वेट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं समर्स में। और ये मेरा सिंपल नाइट टाइम रूटीन, जस्ट 2 to 3 steps एंड आई एम डन एंड आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। बट कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हफ्ते में मैं एक दो बार यूज करता हूँ, दैट इज अ गेम चेंजर फॉर माई स्किन। सबसे पहली चीज एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन मैं केमिकली करता हूँ, दिस इज डॉटन की हाइड्रोपील ग्लो पोशन, इसमें 10% AHA एंड 2% PHA है। इसको 10 मिनट के लिए लगाना होता है बस। इसमें अलग अलग एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दही यूज करते हो तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। सो इसमें अलग अलग तरीके के एसिड होते हैं, वो किस लिए होते हैं, एक्सफोलिएट करने के लिए, जो स्किन की टैनिंग है और जितनी भी डर्ट एंड इम्प्योरिटीज है, डेड स्किन सेल्स है, सब रिमूव हो जाते हैं। आप इसको सिर्फ 2 बार लगाओगे आपको अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो और चेंज फील होगा। अगर आपके लिए स्ट्रांग है, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपके लिए स्ट्रांग हो सकता है, तो आप ये डीकंस्ट्रक्ट का 5% लैक्टिक एसिड बिगिनर्स एक्सफोलिएटिंग सीरम यूज कर सकते हो, या वंस अ वीक यूज कर सकते हो। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आपकी स्किन अडेप्ट कर लेगी तो आप इसको 2 to 3 times हफ्ते में यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। एक्सफोलिएटिंग इज अ गेम चेंजर फॉर यू। अगर मैं कभी कभी एक्सफोलिएट नहीं कर रहा अपनी स्किन को तो मैं फेस मास्क यूज कर लेता हूँ, लाइक 1 in 2 weeks, मतलब हफ्ते में 2 बार मैं फेस मास्क यूज कर लेता हूँ। दिस इज द अर्थ रिदम फेस मास्क पोर आउट। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, एज आई सेड ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी टैनिंग में और स्किन को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसको बेसिकली स्प्रेड करना है ऑल ओवर द फेस एंड आपको छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए ताकि आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क करे। अगर आप इसको 2 बार लगाओगे, लाइक आई यूज ट्वाइस इन अ मंथ, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस फील होंगे, राइट। सो दिस वॉज द नाइट टाइम रूटीन, और मैं कभी कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। अगर मैं इसको समराइज करूँ बहुत छोटे टर्म्स में, सबसे पहले आई यूज़ अ क्लेंजर एट नाइट
एंड देन हाइलुरोनिक एसिड, और उसके बाद मैं या तो लनेज की वाटर स्लीपिंग मास्क यूज कर लेता हूँ या फिर मैं कील्स का मिडनाइट रिकवरी सिरम यूज कर लेता हूँ। वंस अ वीक आई एक्सफोलिएट माई स्किन विद अ केमिकल एक्सफोलिएटर, और ट्वाइस अ मंथ मैं कोई फेस मास्क यूज कर लेता हूँ। इस तरीके से एक अच्छा रूटीन बन जाता है एंड यू विल सी अ क्लियर चेंज इन योर स्किन। सो दिस वॉज माई रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट वन।